बस भाई मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं हूँ आपका दोस्त और दोस्त बस्ती ट्रैवलिंग टॉक्स लेके आए हुए एक नया व्लॉग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे व्लॉग। दोस्तों एक होते हैं यूट्यूबर, ठीक है, फिर होते हैं छपरी यूट्यूबर, और फिर आते हैं अपने आप को कल के लौंडे अपने आप को फूड व्लॉगर कहते हुए कहते हैं, और उनको मैं और आप छपरी फूड ब्लॉगर भी कहते हैं, और उनकी आदतें। हे गाइस, ये मेरे घर पे पकौ मेरे घर में आज पकौड़े बने हैं, और ये लाल सॉस के साथ में खा रहा हूँ गाइस। और ये मैं गाइस, लाल सॉस ने मेरी जीभ जला दी। अबे गधो, जब इतनी सॉस ले रखी है, जब आपको देख रहा है ये सॉस है, ये पकौड़े है, तो गधो, और याद दिलाने की क्या जरूरत थी। और भाई, और भाई साहब वो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये पकौड़े डुबो डुबो के खा रहा हूँ गाइस। और अबे मुंह खोल के खा मत खाया करो छपरी फूड ब्लॉगर, और मुंह खोल के तो खाते ही है, और मतलब खाने भी दिखाते हैं। खाने क्यों दिखा रहे हो हैं? खाने क्यों दिखा रहे हो? मतलब ये पकौड़ा है, इस पकौड़े को डुबो डुबो के, यस ये देखिए गाइस, मैंने पकौड़ा इतना डुबो दिया सॉस में, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ अबे छपरी फूड ब्लॉगर, अगर ऐसे ही खाओगे ना तो मक्खी का तो पता नहीं, छिपकली जरूर आ जाएगी तुम्हारे मुंह पे गधे साले। और अगर अगर इनको कहीं पे पता लग जाए कि कहीं पे दावत है, तो भाई ये तो दावत की मात चोट देते, दावत की मात चोट देते। वो इसलिए क्योंकि फ्री का दावत है, खाओ बहन चोट। और भाई साहब दावत की मात चोते ऐसे हैं, ये देखिए गाइज, ये देखिए, ये पकौड़ा है गाइज, ये मैं देखिए गाइज, ये कैसे अपनी वो नाक टपा रहे गाइज, जब मैं देख ये देखिए गाइज, ये देखिए, ये पकौड़े की कैसे लाल लाल घूमते। अबे लाल लाल कौन नहीं है, वो सॉस है गधो, छपरी फूड ब्लॉगर। और किसने तुम्हें कह दिया, किस माइकल लाल ने तुम्हें कह दिया कि तुम अच्छे फूड ब्लॉगर बन सकते हो? अबे एक वीडियो इंस्टाग्राम में क्या ट्रेंड हुई, तुम तो अपने आप को फूड ब्लॉगर समझे हो हैं गधे सारे, और दिखा दिखा के खाते हैं छपरी फूड ब्लॉगर, दिखा के खाते हैं ऐसे। ये देखिए गाइड में खा रहा हूँ गाय, ये बहुत बहुत अच्छा है गाय, ये देखिए मैं फिर से खा रहा हूँ गाय। मेरी तरफ से इनको मिलते हैं 5 में से 9 मिर्ची, मतलब 9 में से 5 मिलती मिर्ची, गाय ये जो सॉस है वो मैगी केचप है, और ये जो पकौड़े हैं वो बेसन के और वाइट ब्रेड के बने हैं गाइस। फिर जब पता है कि पकौड़े बेसन के और वाइट ब्रेड के बने हैं, तो भैंस क्या बताते हैं कि वो हैं। अपने आपको पता है छपरी फूड ब्लॉगर मानते हो तुम लोग, और भैंस क्या DSLR क्यों यूज़ करते हो हैं? DSLR को क्यों यूज़ करते हो तुम? अबे फ़ोन से भी तो कह सकते हो हैं, फ़ोन से भी तो यूज़ कर सकते हो तुम भाई, फ़ोन की इतनी क्वालिटी है ना, जितनी क्वालिटी DSLR की है। और भाई तुम्हें अलग ही ऑर्गेज्म आता है फूड ब्लॉगर, तुम्हें अलग ही ऑर्गेज्म आता है, मतलब खाते खाते ऐसे ऐसे आह 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 बेटो, खाते खाते क्या तुम्हें ऑर्गेज्म आ गया? जो पकौड़े की माँ बहन करती, जो रात में चावल की माँ बहन करती है,
और तुम्हें मैगी से क्या ऑब्जेक्शन है? तुम्हें मैगी से क्या ऑब्जेक्शन है? मैगी में कभी तुम सॉस डाल के खा रहे हो? अरे बवासीर है क्या तुम्हें? हैं, कॉन्स्टिपेशन है क्या तुम्हें? क्या टट्टी ठीक से नहीं आ रही? हैं, टट्टी ठीक से नहीं आ रही तुम्हारी? हैं, तुम्हारी बैक साइड में फोड़े हैं बड़े बड़े? नहीं, मैगी में लाल सॉस कौन डुबो के खाता है? पर अबे बवासीर हो जाएगी कमीनो कुछ तो। और भाई मैगी में कैंपा बोला। अबे मैगी हमारा मिडनाइट स्नैक है और मैगी हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। उसमें तुम कैंपा कोला मिलाते हो, मिरिंडा मिलाते हो, फैंटा मिलाते हो। ये सब बकचोदी करने के बाद तुम अपनी बकचोदी शुरू हो जाते हो ऐसे। भाई लेकिन साले को बोलना नहीं आता, साले को बोलना नहीं आता। सारे करके आए हुए लौंडे हैं भाई। भाई जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे मुंह पे पकौड़ा ठूस चुका है। एक बात बताओ, खाते हुए कौन वीडियो में आते हैं बे? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं? नहीं होगी तो बताओ, है तो बताओ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं है जो तुम्हें बताए? आओ बेबी चलो हम कॉफी पीने चलते हैं। और भैंस की आंखों, अगर किसी ने तुम्हें कह दिया हम कॉफी पीने चलते हैं तो भाई ये समझ लो कॉफी का मग है। तो भाई तुम लोग सुर सुर करके पीते हो, पूरे कैफे एरिया में तुम्हारी आवाज आती है ऐसे सुर सुर। अबे सुर सुर करके क्यों पीते हो? बिना सुर सुर करके नहीं पी सकते तुम्हारे में। और भाई वापिस चलते हैं मैगी की तरफ। मैगी में तुम वो रे सॉस डालो, मैगी में तुम कैंपा कोला। कैंपा कोला कौन डालते हैं? कोका कोला? कोका कोला डालता कौन है? और भाई सबसे हद बेस्ती तो तब होती है तुम्हारी, बेस्ती होने में मेरे को बड़ा मजा आता है तुम्हारी। ठीक है, बेस्ती होने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। जो मतलब बंदा बना रहे हैं वो लाल सॉस के साथ कुछ कर रहे हैं, तुम अपनी बकचोदी शुरू कर देते हो। भैया ये क्या, भैया ये क्या? अबे बहन के दिन में ये तो सबको पता है कि ये लाल सॉस है छपरी फूल उड़ावर। और जब तुम्हें पता चल जाए ना कि एक रेलवे वाले ने इतना इतना सा वो रोल बनाया है और वो रोल तुम्हें 1 मिनट में खाना है, और वो रोल खाने के बाद iPhone 13 तुम्हारा। क्या मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है? यहाँ पे कुछ लिखा है? नहीं, क्या मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है? यहाँ पे कुछ लिखा है क्या मैंने? क्या मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है? क्या यहाँ पे कुछ लिखा है मेरे बड़ा बड़ा? देखना सर, देखना सर, यहाँ पे कुछ लिखा है मेरे? क्या यहाँ पे कुछ लिखा है मेरे? मतलब और ये फूड ब्लॉगर तब वहाँ होते हैं कि आइए सर मारी मारिए बोलती है सब। और हद तो तुम्हारी तब होती है जब तुम्हें पता है कि जब सामने वाले को पता है कि समोसे में नूडल है, तुम अलग ही अपनी ट्रिप में चले जाते हो। ये देखिए गाइस, ये जैसे ये समोसा है, ये देखिए गाइस, ये समोसा, और ये जैसे ही मैं इसको खाऊंगा गाइस मेरे को कुछ घुंघराले घुंघराले वाला लग रहा है गाइस। मेरे को आप पता चला कि ये समोसा है और समोसे के अंदर वो है नूडल है। अच्छे एक बात बताओ, जब बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखा है नूडल विस नूडल के फिलिंग समोसे के फिलिंग के अंदर नूडल है, तो तुम अब
तो तुम अपनी माँ चोदने के लिए जा रहे हो वहां पे? तुम अपनी एनसीबीसी करने के लिए जा रहे हो वहां पे? और बहस की यार, और पति तो तुम्हारी तब होती है जब तुम बार बार ये पूछते भैया भैया ये पकौड़ा कैसे बना, भैया ये पकौड़े कितने के, भैया ये आपने ये पकौड़ा कैसे बना है, भैया ये आपने लाल सॉस की चटनी कैसे बनाई? अरे तुम्हारे चचा क्या संजीव कपूर है? हैं तुम्हारे चचा क्या संजीव कपूर है? या तो तुम किसी शाही महाराजा के बावर्ची हो? कौन हो तुम हैं, कौन हो तुम? और भाई साहब, अगर तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारे जिम के बगल में एक कैफे खुला, तुम तो उसकी मात चोट दोगे, तुम उसकी मात चोट दोगे, पहन चोट लो। अबे वो कल ही चलना शुरू हुआ है, तुम वहां पे आके अपना कर दोगे? ठीक है, भुगतना मैनेजर को पड़ेगा। अबे फूड छपरी फूड ब्लॉगर काइंडली शट दिस, कृपया करके ये छपरी नेस अपनी बंद करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस वाईएएस बनो, डॉक्टर बनो, डेंटिस्ट बनो, लेकिन छपरी फूड ब्लॉगर मत बनो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना आपका बेस्ट पार्ट, और नए हो सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही रोज देखने के लिए इसको आप इंस्टाग्राम हैंडल में भी फॉलो कर सकते हो @ओपा। तब तक के लिए सबक है, बाय बाय।